5 क्रोमबुक का वीडियो लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि रिसेंट कुछ महीनों से ना क्रोमबुक का मार्केट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और उसके पीछे बेसिकली 3 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ाई अब ज्यादातर ऑनलाइन डिपेंडेंट हो चुका है। नंबर 2, प्राइसिंग भी कम है। एंड नंबर 3, काफी ज्यादा इजी टू यूज है एंड बैटरी लाइफ बढ़िया है। सो आज 5 बढ़िया क्रोमबुक्स के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ 25,000 के अंदर मिल जाएगा। सो पहली बात करते हैं ASUS क्रोमबुक सेलेरॉन के बारे में। ये दिखने में काफी खूबसूरत है, साथ में डिस्प्ले भी 15.6 इंच का है। पूरा सा बड़ा डिस्प्ले होने पर ना तुम्हें कंटेंट कंज्यूम में बड़ा मजा आने वाला है। वैसे प्राइसिंग की बात करें तो ये क्रोमबुक तुम्हें ऑलमोस्ट 22,000 में मिल जाएगा, और आज के डेट में एक सही स्मार्टफोन भी तो 22,000 में मिलना मुश्किल है ना। इस पर मिलता है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज एंड वेट भी ना काफी सही है, 1.7 kg के आसपास। बाकी बात करें प्रोसेसर की, तुम्हें देखने को मिलेगा इंटेल सेलेरॉन 12 Core N3350 जो कि क्रोमबुक्स के लिए सही है, और हम इधर विंडोज की बात नहीं कर रहे। सो हमें इंटेल i5 जैसे प्रोसेसर की पावर नहीं चाहिए, कम पावर से भी ये लैपटॉप्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, स्मूथली चलता है। बढ़ते हैं नंबर 4 के ओर, पूरा सा प्राइसिंग को इंक्रीज करते हैं एंड बात करते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3 क्रोमबुक के बारे में। वेल, Lenovo का जो लैपटॉप है वो मेरा स्क्रिप्ट राइटर यूज कर रहा है काफी दिनों से, एंड उसको भी काफी बढ़िया लगता है। सो एज अ लैपटॉप ब्रांड Lenovo काफी बढ़िया काम कर। इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा 14 इंच का स्क्रीन, और छोटा स्क्रीन होने का एक फायदा ये है कि लैपटॉप काफी हैंडी बन जाता है, उसी के साथ इसका वेट भी कम हो जाता है। जैसे कि इस लैपटॉप का वेट है अंडर 1.5 kg, और इसमें है सेलेरॉन N4020 प्रोसेसर, और इसमें ना टच स्क्रीन भी है। हाँ भाई। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो फिर तुम्हें आंख बंद कर 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। और ये बैटरी बैकअप स्पेसिफिक इस लैपटॉप के लिए नहीं, ज्यादातर क्रोमबुक्स बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप दे देता है, क्योंकि उनमें विंडोज जैसे भारी भरकम सॉफ्टवेयर्स नहीं रहते, या फिर OS भी तो नहीं है। और इसमें 4GB का रैम एंड 64GB का eMMC स्टोरेज अवेलेबल। वैसे eMMC स्टोरेज उतना ज्यादा फास्ट तो है नहीं, बट फॉर ए क्रोमबुक इट्स मोर देन एनफ। नंबर 3 में है HP की तरफ से HP क्रोमबुक 15A। HP एज अ लैपटॉप ब्रांड काफी सालों से बहुत ही अच्छा कर रहा है, एंड हाँ, ब्रांड इज इम्पोर्टेंट। आई मीन एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हमेशा जाने माने ब्रांड्स को प्रेफर करना चाहिए किसी को। सो इस HP क्रोमबुक 15A में है 15.6 इंच का एक HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। एंटी ग्लेयर होने पर लाइट ना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तुम्हें कंज्यूम करने में काफी ज्यादा मजा आना। वैसे इसमें भी तुम्हें 4GB का रैम मिलता है, लेकिन स्टोरेज में एक बढ़िया जंप तुम्हें मिलेगा 128GB का eMMC स्टोरेज, और इसमें डुअल स्पीकर्स भी दिया गया। सो HP ने ऑडियो एक्सपीरियंस पे ध्यान तो रखा। चलो बात है परफॉर्मेंस पर। सो तुम्हें देखने को मिलेगा इंटेल UHD ग्राफिक्स, और साथ में एक डिसेंट सा इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर। मतलब इसका वेट ना मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, ये ऑलमोस्ट 1 kg का। हाँ, हल्का है। नंबर 2 पर है Acer क्रोमबुक 511। मैंने जितने भी Acer का लैपटॉप देखा या फिर यूज किया, एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन देखा, और वो चीज है कम प्राइस में बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना, एंड ये ट्रेंड क्रोमबुक्स के साथ भी बरकरार है। और Acer के इस क्रोमबुक का प्राइस है सिर्फ 18,500। और प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल सेलेरॉन N4020 का प्रोसेसर है, उसी के साथ 4GB रैम एंड 32GB का स्टोरेज, और हाँ, 11.6 इंच का एक डिस्प्ले। और लुक्स की बात करें तो एवरेज लुक है, मतलब ठीक ठाक, और उसी के साथ स्क्रीन साइज भी काफी छोटा है, एक टैबलेट का स्क्रीन साइज के जैसे ही हो, बट इस प्राइसिंग के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी। वैसे स्क्रीन साइज छोटा होने की वजह से एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखो, ये बेसिकली एक HD रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन है, सो पिक्चर्स भी काफी क्लियर रहेगा एंड क्रिस्प दिखेगा, और बैटरी कंजम्पशन भी नॉर्मल से कम रहेगा, काम ही तो करना है ना। एंड फाइनली नंबर 1 पर है HP की तरफ से HP क्रोमबुक X360। और इस क्रोमबुक का सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने 50,000 तक लैपटॉप्स देख रखा है, और इस तरह का डिजाइन बहुत ही कम लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा। लेकिन मजे की बात, ये सिर्फ 23,000 रुपए का। बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। तो तुम्हें इधर देखने को मिलेगा 14 इंच का डिस्प्ले जो कि टच स्क्रीन डिस्प्ले है। हाँ, ये टच स्क्रीन है, और सेम ही है 4GB का रैम और 64GB का eMMC स्टोरेज, और क्रोम OS तो है ही, और एडिशनली ना इसमें UHD ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाता है। देखकर ये फील होता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो दैट्स व्हाई ये नंबर 1 पर था। बाकी जितने भी मैंने क्रोमबुक्स कवर कराए वो सभी के सभी वैल्यू फॉर मनी है, तुम किसी को भी कंसीडर कर सकते हो अपने प्राइसिंग के हिसाब से, और सभी का बेस्ट बाय लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आराम से परचेस करो। कमेंट करके बताना कि और क्या क्या बजट्स मुझे कवर करना चाहिए, क्रोमबुक भी नहीं लैपटॉप भी अगर करना है तो वो भी कर देंगे। वैसे ना इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं इस वीडियो के साथ। So, goodbye.